नमस्कार, आप देख रहे हैं आईटीपी न्यूज़। आईटीपी न्यूज़ में एक बार फिर झारखंड का मामला, क्योंकि लगातार जिस तरह से अब खनन घोटाले पर ईडी की निगाहें आकर रुक गई हैं, उसमें कई बड़े ऐसे नाम निकलकर सामने आ रहे हैं जो सीएम हेमंत सोरेन के बेहद करीबी हैं। इनमें एक नाम जो है वो पंकज मिश्रा का सामने निकलकर आ रहा है, क्योंकि लगातार उनके ऊपर पहले से सवाल उठते रहे जमीनों को लेकर, और जो महिला पुलिस अधिकारी थी रूपा तिर्की, उसमें भी उनका नाम आया था, और एक जो है उनके ऊपर इस तरह के भी आरोप लगे थे कि उन्होंने ज़मीन ज़बरदस्ती अपने कब्जे में कर ली थी। पहले भी इस तरह के आरोप उनके ऊपर लगे हैं, और एक बार फिर खनन से जुड़ा हुआ मामला उनके साथ जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, और तमाम ऐसी बातें हैं जो निकल कर ये सामने आ रही हैं कि वो सीएम हेमंत के बहुत करीबी हैं, इसीलिए उनके ऊपर कुछ नहीं होगा। पहले भी ये सब बातें आई कि वो न सिर्फ सीएम हेमंत सोरेन करीबी हैं, बल्कि उनके जो विधायक प्रतिनिधि भी हैं। तो ये अपने आप में बड़ी सवाल हो जाता है कि क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि अब ईडी लगातार अपनी जांच को विस्तार रूप दे रही है। न सिर्फ साहिबगंज में, तमाम जो जगह हैं वहाँ पर जाकर वो छापे मार रही है, लोगों से बात कर रही है, और जो जिम्मेदार या जिनके ऊपर भी उनको शक है उनसे बात कर रही है। वहीं इस बीच ये खबर बीजेपी की तरफ से भी आई है कि फिलहाल जो पंकज मिश्रा हैं वो झारखंड में नहीं है, बल्कि वो नेपाल भाग गए, यानी कि यहाँ से चले गए हैं। तो ये इस तरह की खबर निकल कर सामने आ रही है, लेकिन हाँ, ये अगर इस तरह से मामला निकल कर सामने आया है, ईडी ने जिस तरह से बात कही है और जिस तरह का नाम अब पंकज मिश्रा का सामने आ रहा है, तो इसमें कोई भी कहने में गुरेज नहीं होगा कि इसकी आँच सीएम तक पहुँचती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि वो सीएम हेमंत सोरेन के बेहद करीबी, बेहद खासम खास माने जाते हैं, और साहिबगंज में उनका एक अलग सा जो रूप है वो देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने कहा कि यहाँ पर जो है पंकज मिश्रा का बहुत दबदबा है, उनके नाम पर यहाँ पर बहुत कुछ चलता है। तो इसको लेकर तमाम बातें पहले भी होती रही हैं, तो क्या एक बार फिर ये देखने को मिलेगा कि पंकज मिश्रा का नाम जिस तरह सामने आया है, क्या आने वाले दिनों में ईडी उनके ऊपर सख्त होगी, और क्या उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। कई सारे मामले हैं, लेकिन फिलहाल ये जिस तरह से निकल कर सामने आ रहा है कि जो सीएम हेमंत सोरेन के करीबी हैं वो इस पूरे मामले में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये अपने आप एक बहुत अहम और बड़ा पहलू बन जाता है। इसको लेकर आपके सोच से ज़रूर कमेंट करिए, और लगातार हमें बताइए कि किन किन मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए, किन मुद्दों पर हमें उठाना चाहिए, और हमारे साथ आप लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि लगातार हम झारखंड की तमाम खबरों से और देश की तमाम खबरों से आपको रूबरू करा रहे हैं, और लगातार पूजा सिंघल वाले मामले पर हम तमाम अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं। लगातार इससे जुड़े रहिए। नमस्कार।